Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ayesha Joshi, and you are watching me on the channel Fatiwaiya. So here it is 11th of August 2020 and we are going to take today's The Hindu News Analysis. जैसा कि आप सभी को बताया डेली बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेते हैं, उसी के साथ में हम एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करते हैं. बट हेयर टुडे वी आर गोइंग टू टेक ओनली एडिटोरियल सेक्शन बिकॉज न्यूज़ सेक्शन जो है उसके अंदर आज कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था जो कि आपके पेपर से कहीं ना कहीं रिलेट करता हो, या ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट सेक्शन में मुझे नज़र आई, इसलिए मैंने उसको आज यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा. लेकिन अगर आपको लगता है आप न्यूज़पेपर एनालिसिस लीजिए, आप खुद से अपनी तरफ से भी न्यूज़पेपर पढ़िए. द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर फॉर योर एग्जामिनेशन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द हिंदू न्यूज़पेपर देन यू विल गेट इट दैट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछे जाते हैं. अब उन सारे आर्टिकल्स को कवर करना ज़रूरी होता है आपके लिए, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़ पेपर को ज़रूर एनालिसिस कीजिए. हालांकि हम अचीव आई एस जो है वह इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं कि अपने वीडियो के अंदर डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर हम लोग न्यूज़ भी कवर कर लें एज वेल एज एडिटोरियल सेक्शन को भी कवर कर लें, है ना. बट स्टिल अगर ऐसा कुछ होता है जैसे कि आज के पेपर में हम न्यूज़ नहीं ले पाए हैं क्योंकि न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं ऐसी कुछ लगी नहीं मुझे जो आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए सिविल्स के लेवल पे. इससे ज़्यादा मुझे लगा कि जो टाइम हम न्यूज़ एनालिसिस में दे रहे हैं उससे बेटर है कि आज की जो यूज़लेस न्यूज़ है उनको लेने से बेटर है कि हम आज एडिटोरियल सेक्शन को ही ज़्यादा टाइम देके उसी को डिस्कस करें, ठीक है. क्योंकि काफ़ी अच्छे जो है एडिटोरियल सेक्शन में या जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनके बारे में बात करूँगी कि बहुत अच्छे दिए हैं आज की डेट में. सो देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं और किस बेसिस पर बात की गई है, क्या क्या एडिटोरियल्स की राय क्या है, एडिटर्स क्या कहना चाहते हैं इन सब के ऊपर इन एडिटोरियल्स के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट आर्टिकल इज़ हॉस्पिटल्स अ फायर, मतलब हॉस्पिटल के बारे में बात कही गई है. एंड हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में बताया गया है जहाँ पे COVID-19 सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करने की जो है बात की गई है और उसमें क्या कमियाँ देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ट्रेजेडीज़ हो रही हैं और उसका खामियाजा जो है आम जन को भुगतना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की हुई है. अभी रिसेंटली चाहे आप विजयवाड़ा लीजिए चाहे आप अहमदाबाद लीजिए, दोनों ही जगह पे हमें देखने को मिला कि जो है हॉस्पिटल ट्रेजेडीज़ हुई, काफ़ी शॉकिंग डेथ्स हमें देखने को मिली. 19 पीपल जो है ऑलरेडी डेथ लिस्ट में आ गए हैं आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ विजयवाड़ा. विजयवाड़ा में जो COVID-19 मैनेजमेंट के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ के साथ जो हॉस्पिटल खड़ा किया गया था उस मतलब जो हॉस्पिटल स्पेशल फैसिलिटीज़ के था साथ में था COVID-19 की, वहाँ पे आग लग जाने की वजह से करीब 19 लोगों की मृत्यु हो गई. और इतना ही नहीं, अहमदाबाद में भी ऐसी घटना घटित हुई जहाँ पे एक होटल था उसे जो है ओवरटेक किया गया था और वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ COVID-19 के लिए प्रोवाइड करवाने की जो है कोशिश की गई थी और इस तरीके का मैनेजमेंट किया गया था जिससे कि वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया जा सके. लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की घटना घटित हुई और काफ़ी लोगों को जान माल की हानि हमें वहाँ देखनी पड़ी. तो ये सारे इंसिडेंट्स हमें क्या शो करते हैं, ये सारे इंसिडेंट्स क्या बताते हैं हमें कि कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, वी आर लैकिंग समवेयर. हम लोग जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं. अब ये मैनेजमेंट्स की गलती है या ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की गलती है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमें जो है प्रॉपर सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं हुई. गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिर्फ लिप सर्विसेज प्रोवाइड हुई हैं और इन लिप सर्विसेज के बेसिस पर हम ओरिजिनल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टेटमेंट्स जो है ये कहना है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का. While 11 died in आंध्र प्रदेश इंसिडेंट, आंध्र प्रदेश का जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर करीब 11 लोग मारे गए हैं. वेयर अ होटल हैड बीन वेट मैं आपको आर्टिकल दिखा देती हूँ जिससे कि आपको विजिबल रहे. वेयर अ होटल हैड बीन टेकन ओवर बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल टू रन अ COVID-19 केयर सेंटर. प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक होटल को जो है ओवर की टेक किया था, मतलब उसे लिया था और वहाँ पे COVID-19 सेंटर क्रिएट किया गया था. 9 पेशेंट्स जो है वो बुरी तरीके से इस
घटना की, गुजरात में जो हुई घटना है आईसीयू के अंदर आग लग जाने की, उससे ग्रसित हुए. दीज गास्टली इंसिडेंट, ये जो सारे इंसिडेंट्स हैं जो बहुत आप हम कह सकते हैं दर्द देने वाले जो इंसिडेंट्स हैं, इनके अंदर किसे क्लेम किया जाए ये समझ में नहीं आता. बिकॉज हॉस्पिटल फैसिलिटी, हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है उनका ब्लेम जाता है सरकार को, सरकार का ब्लेम जाता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, एंड समवेयर नो वन इज एक्सेप्टिंग दैट दे वर इन फॉल्ट. ओके, अब अल्टीमेटली उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? उन लोगों को जो घर से ये सोच कर निकले थे कि हम लोग इन्फेक्शन की चपेट में हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिन में इन्फेक्शन से रिकवर होके हम फिर से घर आ जाएंगे. तो वो लोग जो ये सोच कर निकले थे उन्हें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा, उन्हें ये सारी घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं उसको फेस करना पड़ा, और फाइनली दे लॉस देयर लाइव्स. तो अल्टीमेटली जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्या उनकी गलती थी कि वो इन्फेक्शन के बेसिस पर हॉस्पिटल्स पर बिलीव करके, गवर्नमेंट पर बिलीव करके, मैनेजमेंट पर बिलीव करके और हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में आकर रहे वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, या क्या ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जिससे कि वहाँ पे लोग जो हैं सिक्योरिटी से या सेफ्टी से रह सके, या क्या ये गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो नहीं किए. तो ये पूरा जो आर्टिकल है आज का, इसके अंदर इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया. इन अ फैमिलियर पैटर्न सिविक एंड फायर अथॉरिटीज़ हु आर एक्सपेक्टेड टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ सच बिल्डिंग्स हैव सॉट टू पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कार्नेज ऑफ ऑन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टीज़. देखिए, अब जो फायर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग्स की जिनके हाथ में अथॉरिटीज़ आ जाती है, या हम कह सकते हैं जो बिल्डिंग की सेफ्टी जिनके हाथ में आती है, वो सारी अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है जिनकी ये बिल्डिंग है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है, दे आर बींग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन. और इन द केस ऑफ द होटल टर्नड कोविड-19 केयर सेंटर कैरिंग आउट इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स फॉर सेफ्टी, ये कहना है बिल्डिंग मैनेजमेंट वालों का कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ है ये उनकी गलती है कि उन्होंने मैनेजमेंट के समय ये ध्यान नहीं दिया कि वो एक होटल की बिल्डिंग को हॉस्पिटल के रूप में कैसे जो है अडॉप्ट कर सकते हैं. और उसी के साथ में अगर हॉस्पिटल में आप, चलिए मान लीजिए आप होटल को एक हॉस्पिटल के रूप में आप करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको वो सारे इक्विपमेंट्स जो होटल से रिलेटेड हैं उन सारे इक्विपमेंट्स को वहाँ से निकाल लेना चाहिए था. इलेक्ट्रिक अपग्रेड्स जो हैं, इलेक्ट्रिक जो वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रिक होती है होटल के तौर पे, उन चीज़ों को आपको रिमूव कर देना चाहिए था हॉस्पिटल की सेफ्टी के लिए. दिस इज़ क्लियरली अनटेनेबल एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड अबाउट द डिकेड अगो इन द उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी केस इन दिल्ली. दिल्ली में उपहार सिनेमा जो फायर ट्रेजेडी केस हुआ था, ये पूरा सिचुएशन देख करके सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी से, है ना. पुलिंग अप अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ एब्डिकेटिंग responsibility and passing the buck on the management to the institution in the Ahmedabad. और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किस तरीके से जो है इस तरह के ट्रेजडीज के अंदर मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, होम मिनिस्टर जो हैं, या मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं होम मिनिस्ट्री के साथ ही जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेजमेंट के ऊपर थोप देते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ों को रिकॉल किया और ये सारी चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया. इन द अहमदाबाद आईसीयू ब्लेज, अहमदाबाद के आईसीयू ब्लेज की बात की जाए, तो पेशेंट्स एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूशन टू ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी. ऐसा पेशेंट्स का मानना था कि उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बट सफर्ड इट एज इट वॉज इल इक्विप्ड टू फाइट अ फायर. लेकिन उन्हें उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ वो 5-स्टार फैसिलिटीज़ या हम कह सकते हैं टॉप लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड करवाने की जो सपने देख रहे थे, वो पूरी तरीके से तब चकना शुरू हो गए जब उन्हें उसी पर्टिकुलर प्लेस पर आग का सामना करना पड़ा. ठीक है,
So, safety regulations of buildings used for healthcare delivery is a subset of overall need to regulate hospitals, and the state should use the recent deadly fires as the occasion to launch much delayed reforms. In the absence of safety systems, many died on fire and smoke inhalation, while those who survived had nothing but luck to count on. जिन लोगों ने ये चीज़ सफ़र की है उनके पास में लक के अलावा कुछ भी नहीं है. जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके लिए एक बहुत ही अनलकी जो है एक सिक्योरिटी मेजर के रूप में सामने आया, जहाँ पे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को जो है डिमांड करते या उसके सपने देखते हुए एक्सपेक्ट करते हुए उसे वहाँ पर आए थे, वो फाइनली जो है अपनी जान ही गंवा बैठे. तो ये जो सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स है उनको जो यूज़ किया जा रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इनको ज़रूरत है कि ये सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें. हॉस्पिटल्स को ज़रूरत है कि वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, बिकॉज इंडिया में 1, 2, 3, 4 नहीं हज़ारों ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं अब तक जहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है पेशेंट्स को. हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल लेता नहीं है, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है, और वहीं पे जो बिल्डिंग मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. तो इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पूरा घटनाक्रम जो जहाँ पे भी जैसी ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं वहाँ पर जो भुगतान करना होता है वो करना होता है अल्टीमेटली पेशेंट्स को, जो कुछ उम्मीद के साथ में अपनी लाइफ की सिक्योरिटी की उम्मीद के साथ में उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं. द सिचुएशन कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू. अब आगे इस तरह की सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं होने दिया जा सकता. द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया विथ एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजन फॉर हॉस्पिटल इज द बेसिस फॉर हॉस्पिटल accreditation system, but these should be made mandatory and enforced in all state. National Building Code of India की responsibility बनती है कि वो additional fire safety provisions को ध्यान रखते हुए hospitals और other जो buildings हैं उनका ध्यान रखें, और वहाँ पर इस तरह की घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, वहाँ ऐसा system follow होना चाहिए. तो इस system को अब सब जगह पर mandatory करना ज़रूरी है, सारे ही states में इसे enforce करना ज़रूरी है. अगर जो स्मोक है वो ज़रा सा भी वहाँ पे फील होता है तो उसके लिए अलार्म्स लगाए जाए, स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगाए जाए, उसी के साथ में वहाँ जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स है, चाहे हॉस्पिटल्स है चाहे अदर बिल्डिंग्स है, फायर फाइटिंग एड्स भी अवेलेबल होने चाहिए. लॉस ऑफ एयर कैन बी एलिमिनेटेड एंड ऑल पेशेंट शुड ऑल्सो बी कवर्ड बाई सस्टेनेबल लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलर पेशेंट्स. And evacuation system for ICU patients need to be a part of the building design. Often hospital buildings are regularized for unapproval or unapproved construction by state governments acting thoughtlessly. Schemes introduced to regularize building violations are clearly anti-social in character. The many fires in institutional buildings and their terrible toll should lead to a full inspection of all such facilities for safety. इस तरह की अगर कोई घटना है, वैसे तो मैंने आपको बताया जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें फॉलो किया जाना चाहिए, लाइक स्मोक अलार्म्स, स्प्रिंकलर सिस्टम्स. अदर देन दिस, फायर सेफ्टी किट्स शुड बी देयर एंड कंपल्सरीली बी देयर. एंड जो भी पेशेंट सफ़र करते हैं इस तरह की, तो उनके लिए जो मतलब जो भी हेल्थ सफ़र कर रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सबसे पहले उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. उसी के साथ में और भी जो सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो होने चाहिए हॉस्पिटल्स के लिए, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है. और इसके लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अलर्ट होना पड़ेगा, और जो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ है या सिक्योरिटी मेजर्स जो फॉलो करने वाली अथॉरिटीज़ है, उन सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें सभी स्टेट सभी स्तर पर जो है फॉलो हो. ठीक है, काफ़ी सारी से इंस्टीट्यूशन है, फायर इंस्टीट्यूशन
सॉरी काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑलरेडी जो है आग का सामना कर चुकी है, जिन जहाँ पर ऐसी घटनाएं ऑलरेडी पहले भी देखी गई है, वहाँ पे अल्टीमेटली और कुछ नहीं होता, डेथ टोल्स का हैवी डेटा लेकर के एक सर्टेन टाइम तक न्यूज़ में रहते हुए वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है, और जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं उनकी फैमिलीज जो है उसी दुख में शोक में अपने जीवन को निकाल देती है। अल्टीमेटली ऑथोरिटीज़ या मैनेजमेंट जो है कहीं कुछ भी करता हुआ नज़र नहीं आता है। सो ये हमारे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फुल इंस्पेक्शन पर ध्यान दें और इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए हॉस्पिटल्स या अदर बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, मतलब जो फायर अलार्म्स हैं या स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ों को अवेलेबल करवाना, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाना बहुत कंपल्सरी हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज होना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स को, सरकार को प्रेशराइज होना पड़ेगा, प्रेशर में आकर के कार्य करना होगा। और इन सारी अब एक्चुअली आप रूटीन में प्रेशर में नहीं आते, चलेगा, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तब आपको प्रेशर में आना पड़ेगा। ओके, तो ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड था। द नेक्स्ट आर्टिकल इज मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, एग्रेसिव टेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अलोन कैन कंटेन द वायरस स्प्रेड। वायरस स्प्रेड जो हो रहा है उसका रीज़न एग्रेसिव टेस्टिंग या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो सकता है। द एक्सटेंडेड लॉकडाउन माइट हैव स्लोड डाउन द स्प्रेड ऑफ नोवल, हो सकता है जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है उससे कहीं ना कहीं नोवल कोरोना वायरस जो है वो उसका स्प्रेड जो है उसे कंट्रोल किया जा सके शुरुआती दौर में जैसा कि हुआ था। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें और उस समय भी अगर बात करें तो लार्ज स्केल टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण बन गई। देखिए हाईएस्ट लेवल पे ज़्यादा लेवल पे टेस्टिंग होना, टेस्टिंग किट्स जो है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होना मैक्सिमम लेवल पे, जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं उन सारी घटनाओं को देखते हुए अब जो प्रायोरिटीज़ है वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गई है। जो प्रायोरिटीज़ है, जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में पूरा पूरा डेटा दे रखा है, लेकिन ये डेटा हम ऑलरेडी फर्स्ट डे से ही डिस्कस कर रहे हैं। कोविड 19 के सारे आर्टिकल्स को हमने फर्स्ट डे से डिस्कस किया है, किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कहाँ कितने बढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे कितने केसेस आ रहे हैं। इवन हमने कल के ही एनालिसिस में डिस्कस किया है किस तरीके से केसेस बढ़े हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी बहुत पीक पर हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, उन प्रायोरिटीज़ को कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं अवॉइड किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस हैं। ठीक है, जैसे कि डेली कंफर्म्ड केसेस जो आ रहे हैं गुजरात तेलंगाना में पेंडेमिक के चलते, तो वो अपने अपने स्टेट्स पर एक रॉन्ग इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। प्रायोरिटी इज़ टू मैनेज, प्रायोरिटी क्या है, इन चीज़ों को मैनेज करना। और देखिए अभी जो कंडीशंस मुझे देखने को मिल रही हैं, कंटिन्यू स्टेट्स का डेटा बढ़ता चला जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं या कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है उस चीज़ की, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि डेली बेसिस पे कैसे केसेस स्पाइक आउट हो रहे हैं, कैसे जो है मिनिस्ट्रीज उसे हैंडल कर रही है, क्या मिनिस्ट्रीज़ के एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और कैसे कंटिन्यू जो है स्टेट्स के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, सॉरी डेली बेसिस पे कैसे कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ केसेस सामने आ रहे हैं, डेथ टोल्स कहाँ तक पहुँची है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। और ये बताने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं, मतलब जिन प्रायोरिटीज़ की नीड है, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर बताया जा रहा है। जैसा कि एक जस्ट एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अभी रिसेंटली जहाँ पे कोविड 19 का बहुत हाई पीक पर है, वहीं पे राजस्थान में ये जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे उसके चलते जो है एमएलएज एमपीज इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे काफ़ी सारे, और भी जो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जो पार्टीज़ में देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा की जाएगी, अगर ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, तो वेयर आर सिक्योरिटी, सेफ्टी कहाँ है, हमारी सिक्योरिटी मेजर्स कहाँ हैं, वेयर आर द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ अस, वेयर आर वी
where we are following the security और safety measures in our life, okay? तो ये पूरा उसी पर based है कि aggressive testing, contact tracing जो है सिर्फ इसी से virus को control नहीं किया जा सकता, हमें control करने के लिए बहुत सारे measures को follow करना होगा और उन measures पर work करना ज़रूरी है. Priorities जो पूरी तरीके से misplaced हो चुकी है उनको track पे लाना होगा, उनको prioritize करना होगा और उनके ऊपर कार्य करना होगा जिससे कि cases को control किया जा सके. जैसा कि आप सभी को पता है इंडिया टॉप 5 में आ चुका है, एंटर कर चुका है और टॉप फर्स्ट पे आने में टाइम नहीं लगेगा अगर यही केसेस चलते रहे तो. ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज आइसोलेटिंग चाइना एज प्रपोजिशन एंड द रियलिटी. कंट्रीज लाइक इंडिया मस्ट नोट दैट डिस्पाइट इट्स बेलिजरेंस चाइना इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटाइंड गिवन इट्स इकोनॉमिक क्लॉट. ओके, द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स, अभी रिसेंटली बातचीत हुई है चाइना और इंडिया के बीच में 2nd of August को मिलिट्री कमांडर्स के बीच में जो है टॉक हुई है, उससे कुछ बहुत अच्छा जो है तोड़ नहीं निकला है, बहुत अच्छा निचोड़ कुछ नहीं निकला उस बात का. एंड द सिचुएशन जो कि LAC पर है लद्दाख सेक्टर के अंदर वो एज इट इज़ हैं जैसा कि पहले थी. ऑल दैट इज़ एविडेंट इज़ दैट चाइना हैज़ indicated a willingness to resile for occupying territory beyond the 1960 claim line. A return to the status quo ante prior to May this year is now ever is in sight. देखिए बेसिकली जो सिचुएशंस हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि चाइना क्या चाह रहा है. पिछले 1960 की बात की जाए तो उस समय क्या चाह रहा था चाइना, वही सिचुएशन हमें अभी भी दिखाई दे रही है. लेकिन लद्दाख के रीजन में जहाँ अभी भी चाइना ने अपने आप को पीछे नहीं धकेला है और उसी तरीके से सब कुछ चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, उसी पर बेस्ड है ये आर्टिकल. एंड आइसोलेटिंग चाइना पर बेस्ड है एज प्रपोजिशन एंड द रियलिटी. रियलिटी क्या है उस पर बेस्ड है ये सारा सिचुएशन, ये सारी चीज़ें. और इकोनॉमिकली ले लीजिए चाहे आप सोशली ले लीजिए, जो इन्वॉल्वेंस हमें चाइना का नेगेटिव तौर पे दिख रहा है, नेगेटिवली जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया इस आर्टिकल में. ठीक है, तो चाइना की क्या कंडीशन है, क्या थी कंडीशन, कैसे उसने खुद को स्ट्रांगली जो है ग्रिप्ड कर रखा है, कैसे उसने सिचुएशन को हैंडल कर रखा है अपने स्तर पर, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है. और कैसे एग्रेसिवली वो बिहेव कर रहे हैं, उनका क्या मोटो है और अब तक क्या मोटो हमें नज़र आ रहा है, या इंडिया और अदर जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके बीच के रिलेशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमें कोशिश जो है नज़र आ रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में चाइना जो है जो मूव ऑन कर दे, आई मीन उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, पर्टिकुलर एरिया से मूव ऑन कर दे और उस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को फॉलो कर सके. बट उम्मीद थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं लैक कर रही है चाइना को देखते हुए, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है या उनकी जो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट होता है, ये इस एडिटोरियल का हिस्सा नहीं है, मैं अपने लेवल पर बात कर रही हूँ, ऐसा डाउट होता है कहीं ये किसी जो है एक तरह की, देखिए दो तीन एस्पेक्ट्स क्लियर हो सकते हैं. एक तो ये कि चाइना अगेन वही सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है जो 1960 में हुई थी, है ना, तो वही सिचुएशन ला करके चाइना खड़ी करना चाह रहा है. अदरवाइज़ जो है चाइना पर्टिकुलर एरिया को एक्चुअली अपने अंडर में करना चाह रहे हैं फोर्सफुली. उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो अपने आप को जो है लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा है. उसके अलावा अदर जो तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि पाकिस्तान के मिलकर, उसके साथ मिलकर जो क्योंकि पाकिस्तान की भी कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ सामने आ रही, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो जो सिचुएशंस हैं उनको वर्स्ट करने की कोशिश की जा रही है. तो ऐसी कई सारी सिचुएशन सामने आ सकती है, कई सारी सिचुएशंस और बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं. बट स्टिल वी डोंट नो दैट व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. सो समवेयर वी हैव टू गो थ्रू एंड वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन ओनली वेट फॉर चाइनाज नेक्स्ट स्टेप. ओके, this article is based on this only, and here in that article you are going to discuss all about China-India relationship, what China did from last few days, what happened in 1960 and everything. Okay, the next article is based on the main bricks to use in India's steel frame. India ke steel frame ki yahan baat ki gayi hai.
when the Union Public Service Commission UPSC announces the results of civil services mains examination every year, the list of successful candidates amidst to the fanfare it is no okay wait yeah amidst all the fanfare it is legitimate for us to reflect on a few fundamental questions. Are the right type of men and women being conducted into the higher bureaucracy? Is there any mid-career review of their performance so that the misfits and the dishonesty are weeded out? Both these questions are extremely relevant if we want to see an upgradation in the quality of service to the poor. ओके देखिए ये आर्टिकल जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है. ये सिविल सर्विसेज पर ही बेस्ड है, सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स पर बेस्ड है, सिविल सर्विसेज की ऑनेस्टी पर बेस्ड है, उनकी सक्सेसफुल करियर, उनकी सक्सेसफुल एंट्रेंस पर बेस्ड है. एंड ये सारी चीज़ें जो है सिविल सर्विसेज को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या उनकी एंट्री जो है वो एक नया चेंज के को जो है इंडिकेट करती है, और बाद में क्या फाइनलाइज होता है, क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. ये मैं चाहती हूँ इसे आप खुद पढ़ेंगे, यू हैव टू डू गो फॉर इट. एंड जो देखिए मेन ब्रिक बताया गया है सिविल सर्विसेज को, है ना, आईएएस एस्पिरेंट्स को, आईएएस आईपीएस और एस्पिरेंट्स को, और ऑनेस्टी या कंपैशन की अगर बात की जाए तो वो जो है टॉप लेवल की बताई गई है सिविल सर्विसेज में. ऐसी उम्मीद की जाती है कि जिस समय सिविल सर्विसेज का जो है रिजल्ट्स अनाउंस हो, मेंस के रिजल्ट्स अनाउंस हो, तो ये उम्मीद की जाती है आने वाले दौर में जो एस्पिरेंट्स आगे इंटरव्यू में आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं टॉप लेवल एस्पिरेंट्स होने चाहिए, है ना. तो उनके फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात की गई है. इंडिया का जो स्टील फ्रेम है उसको यहाँ पे जो है मेन ब्रिक बनाने की बात की गई है. तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, सिविल सर्विसेज पर बेस्ड है, इसलिए आपको पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, है ना. मैं नहीं बताऊंगी इस आर्टिकल के बारे में, आप खुद से पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. जो भी सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी की, यू शुड गो थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल बिकॉज दिस इज़ ऑसम. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू. मैंने आपको एक ब्रीफली डिस्कशन दे दिया कि क्या होता है, क्या जो है क्या कोशिश की जाती है, क्या उम्मीदें होती है एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट से जब वो मेंस क्लियर कर लेता है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उससे क्या क्या उम्मीदें होती है, आफ्टर दैट इंटरव्यू के टाइम पे क्या सिचुएशन होती है, इंटरव्यू के बाद क्या कंडीशंस होती है, और कहाँ तक हम एक जो हमारा जो एक कहते हैं ना थॉट प्रोसेस वर्क करता है. आईएएस ऑफिसर्स सिविल एक्सपीरियंस इट मींस ऑनेस्टी एंड व्हाट आई कैन से दी 100% डेडिकेशन एंड एक इमेज क्रिएट हो जाती है. वो इमेज किस हद तक जो है सक्सेसफुल जा रही है इन दिनों या अब तक, और कैसे आगे सक्सेसफुल करवाने की या सक्सेसफुल करने की कोशिश की जा सकती है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू दिस आर्टिकल, पढ़िए आप इस आर्टिकल को, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. और ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ में इसे डिस्कस नहीं करूँगी, मैं इंडिविजुअली जो है इस आर्टिकल को आज ही के दिन में आपके साथ में एक वीडियो में डिस्कस करूँगी. विद इन फ्यू मिनट्स आई विल डिस्कस दिस आर्टिकल विथ यू, बट स्पेशली उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस आर्टिकल को पढ़ें, इस आर्टिकल को पढ़ें, समझें, और फिर हम लोग जो है इवनिंग तक जो है मैं आपसे लाइव जो है इसके बारे में डिस्कस करूँगी, एंड आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस भी पुटअप करूँगी. सो बी रेडी, इसको पढ़िए, आप इसको पढ़ के रेडी रहिए, और फिर हम लोग जो है इवनिंग तक इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो आज के जो एडिटोरियल एनालिसिस थे, एडिटोरियल सेक्शन के जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. इसके अलावा जो एक आर्टिकल है वो मैंने आपको, वैसे तो मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद इसे पढ़ें और उसके बाद मुझसे डिस्कस करें, ठीक है. सो इसके बारे में एक डिफरेंट आर्टिकल भी आज आपको प्रोवाइड हो जाएगा, डिफरेंट वीडियो प्रोवाइड होगा, उस वीडियो पे आप ज़रूर आइएगा, मुझे ज्वाइन कीजिएगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन करना, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी
be very interesting. Okay, so take care. Bye bye. Have a great day. Thanks for watching.